हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपको कि कैसे इंपोर्ट करना है, वॉल कैसे बनाना है। सेकंड पार्ट में आपको बताया बीम कैसे बनाना है और विंडो किस प्रकार बनाना है और कैसे प्लेस करना है, ठीक है, और ग्रुपिंग कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मुझे एरे करना है, जिसे मैंने आपको बताया जो मेरा फ्लोर हाइट है वो है 2.9। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, कॉपी करके शीट पकड़ के यहाँ पर इंस्टेंस पे इसे यहाँ पे अलाइनमेंट में बिठा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये सारे मैं यहाँ पे विंडो जैसे आपको बताया आपको इसे कॉपी करके ऐसे रखना है। ठीक है, सेकंड एक ऑप्शन आता है आपको एरे जैसे करना है, यहाँ पे मैं इसे अंडू यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, यहाँ पे एरे का ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, ये एरे हम यहाँ पे देख लेंगे। जैसे मुझे अगर बढ़ाना है यहाँ पे 20 फ्लोर बढ़ाना है, ठीक है, तो वाई एक्सेस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा जैसे अमाउंट आप देखेंगे, आपने चेक किया जो उसका फ्लोर हाइट है, आप डी आई प्रेस करो स्पेस। ठीक है, यहाँ से आपको क्लिक करना है ऊपर तक, आप देखेंगे 2.9 यहाँ पे आ जाता है इसका। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैक्स में आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 2900 mm। ठीक है, और यहाँ पे काउंट जो मैं करूँगा इसको 20 फ्लोर, देन हम इसे क्या करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए 20 फ्लोर वाई एक्सिस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे वाई एक्सिस में 20 फ्लोर यहाँ पे बैठ चुका है, देन इसको मैं क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा प्रॉपर ही बैठ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे वॉल सेलेक्ट करना है। वॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक आपको एक्सट्रूड इसका ऊपर तक बढ़ाना है। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे कर सकते हो, या तो आप कैलकुलेट कर लो 2.9 के हिसाब से आपका कितना हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कैलसी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला है 2900 mm, इसे इंटू किया मैंने कितना है 20 फ्लोर, ठीक है, इंटू किया कितना होता है 58,000। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला 58,000। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट वहाँ पे वो बैठ जाएगा। अभी क्या होगा कि इसके बाद हमारा जो यहाँ पे बीम है इसके ऊपर भी आएगा, तो मैं क्या करूँगा इसे यहाँ पे इंस्टेंस में आपको कॉपी करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, देन मैंने यहाँ पे किया, अभी ऊपर का फ्लोर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसे यहाँ पे ओपन कर दिया, देन ये ऊपर का जो पार्ट्स है यहाँ पे इसे मैं यहाँ से उड़ा दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया बीम ऊपर, देन इस वॉल को हमें सेलेक्ट करना है, देन इसे एक्सट्रूड हमें क्या करना है 700 mm और प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, इतना ऊपर है इसे मैं यहाँ पे माइनस में कर दूंगा इसे। ठीक है, ये हो गया। आप देखेंगे हमारा जो बिल्डिंग है, बेसिक जो शेप होता है बिल्डिंग का, हमने ये प्लान से बना और हमारे पास सेक्शन है। ठीक है, इतना हमने ये बना लिया है प्रॉपर। अब इसमें क्या रह गया, हमारा छज्जा बनाना। ठीक है, तो वो भी कैसे बनाना उसके बारे में बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप वॉल है सारे, सारे वॉल को मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल से आपको बना लेना है इसे फटाफट। ये मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे इसे बनाया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको सारे वॉल जितने हैं छज्जा इसे हम अलग से बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे किए। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया, या तो आप इसे एक करके इंस्टेंस कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंस मत करो किसे, कभी हमें कलर अलग अलग अगर देना हुआ तो उसमें तकलीफ नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पे अलग अलग ही बनाए इसे, बाद में ग्रुप कर दीजिए एक अलग से, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप मेरे सेकेंड चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो, इसका जिस चैनल का नाम है पिक्सल आर्ट बाय योगिता। वहाँ पे आपको फोटोशॉप के सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि आपको फोटोशॉप में कैसे कलर करेक्शन करना होता है, ब्लैक एंड वाइट टू कलर कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बनाए, इसे भी किया यहाँ पे। ठीक है, ये भी किया, यहाँ पे किया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सारे छज्जे के वॉल बना लिए। ठीक है, अभी इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा सारे को। ठीक है, सिलेक्ट करके क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सारे वॉल को एक यहाँ पे अलग से ग्रुप बना लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया, और देन इसे यहाँ पे हमें एक्सट्रूड करना है। ठीक है, एक्सट्रूड कितना होगा, यहाँ नीचे से इसको एक्सट्रूड हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे से एक्सट्रूड देंगे इसे हम, और हमें यहाँ तक, क्योंकि छज्जा यहाँ पे आता है 150 में, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे 58,000 + 150। ठीक है, यहाँ पे 58,000 × 2 हमारा यहाँ हो गया, इसमें 150 और ऐड करना है, तो मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, आगे होगा 50। ठीक है, इतना हमारे प्लस हो गया।
ये हो गया हमारा। इसके बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छज्जा बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, सारे छज्जे को मुझे यहाँ पे बनाना है इसे, ठीक है। अगर आप एक में ही बना सकते हो इसको, अगर ऑफ कर दोगे यहाँ से, जैसे टिक ऑन है तो एक में बनेगा, अलग अलग बना आप अलग अलग बना सकते हो। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी क्लिक किए, देन इसी प्रकार आपको सारे चीज़ें यहाँ से आपको बनाना है। क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये हो गया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक क्लिक किया, ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी से क्लिक किया, ठीक है, हमारा भी यहाँ पे सारे छज्जे के साथ क्लिक करके आपको करना है सिलेक्ट सिमिलर। हम देखेंगे वही सिलेक्ट हुआ, देन उसे हमें यहाँ पे करना है एक शोट और उसका अमाउंट देना है 150 mm, ठीक है। ये हमने छज्जा का अमाउंट दिया, सबसे पहले हमें क्रॉस चेक कर लेना है यहाँ पे कितना दिया आपको, डी आई प्रेस करना है, यानी यहाँ पे आपको चेक करना है ये कितना है, 0.10 मतलब 100 mm है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैक्स में जाना है और इसे करना है यहाँ पे 100 mm, और इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा ग्रुप, ठीक है। अभी ग्रुप करने के बाद अभी हमें यहाँ पे छज्जा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी हमें इसका पता है कि कितना मतलब हाइट इसका है, जैसे हमारे यहाँ पे 2.9 है, जैसे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्लोन करना है इंस्टेंस पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको डालना है 2900 2900 mm, ठीक है। अब देखें एग्जैक्ट वहाँ पे बैठ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे करना है, टूल्स में जाना है, देन एरे में जाना है, यहाँ पे अमाउंट हमने ऑलरेडी डाला है 20 फ्लोर प्रीव्यू, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके, ठीक है। हम देखेंगे हमारा छज्जा यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। और इससे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ले लूँगा इसको 100 mm में, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे परफेक्ट है, बैठ चुका है। इसी प्रकार आप ये मॉडल प्रॉपर बना सके, आप देखेंगे जैसे एकदम फटाफट हमारा कैसे हो गया, विंडो बन गया, छज्जा बन गया, सारे चीज़ें यहाँ पे बन चुके हैं। और इसी प्रकार आपको मॉडलिंग करना है, और ये मॉडल में इतना ही था, बाकी जैसे आपको टेरेस का बनाना, टेरेस भी हम अलग से बना सकते हैं, फ्लोर प्लान बनाना आप लाइन से लेकर किसे बना सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हो गया, अभी हमें क्या करना है, ऊपर का हमें जैसे पूरा पैक करना है, पैक कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो आप जैसे प्लान है यहाँ पे, तो मैं सारी चीज़ों क्या करूँ ऑफ कर दूंगा, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ठीक है, सब कुछ सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या किया, हाइट सिलेक्शन, देन टॉप में आया, देन उसको आपको लाइन सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इंटरनल हमें जो है दिया हुआ है, यहाँ पे हमें टॉप का फ्लोर बनाना है, ठीक है। ये हम यहाँ पे फ्लोर बना लेते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल जितना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिसे मेरा क्रॉस में जा रहा है बाद में हम सही करेंगे वर्टिस पकड़ के, यहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए हम, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी आए, देन यहाँ के, ये हमारा एक बन जाएगा, उससे हमारा क्या होगा, सारे फ्लोर जितने हमें बनाना है इंटरनल फ्लोर यहाँ पे, मतलब जिसे स्लैब बोलते हैं, ठीक है, स्लैब बन जाएगा। इसे क्लिक किया, यहाँ पे आए हम, ठीक है, ये क्लिक किया, क्लिक किया इसको, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और हमें यहाँ पे जाना है, क्लिक किया, ठीक है, ये क्लिक किए, और हमारा यहाँ पे लिफ्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, देन ठीक है, ये हमारा हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टिक को ऑफ कर दूंगा। ऑफ करने के बाद आप जैसे देखेंगे यहाँ पे डक्ट में कटआउट है, यहाँ पे भी कटआउट है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर कट होना चाहिए ये चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ तक जाना है आपको,
एक्चुअली यहाँ पे हमारा स्टेयरकेस का ब्लॉक आता है, तो यहाँ तक हम इसे कट करना होगा हमें। यहाँ पे गए, ठीक है, और इसे यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, और उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है, डक्ट का है, तो हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट किए, ठीक है, ये हो गया, इसे यहाँ पे है डक्ट, इसे सिलेक्ट किया, कट किए, ठीक है, यहाँ पे देन यहाँ पे है, क्योंकि डक्ट का जो होता है कटआउट आता है, टाइल्स पे भी दिखता है, फ्लोर में भी कटआउट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है, इतना है यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे कटआउट कर लेंगे, इसे यहाँ पे लिफ्ट का भी है, इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। देन अब इसके बाद क्या करना है, जितने भी स्प्लाइन हमारे आगे पीछे हैं उसे हमें प्रॉपर यहाँ पे अरेंज करना है, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उसको डुप्लीकेट किया, उसको यहाँ पे इसको स्नैप किया, ठीक है, और जैसे यहाँ पे है ये, इसे स्नैपिंग से यहाँ पे एडजस्ट किया और एडिट किया, ठीक है, ठीक है, एडजस्ट किया, एडजस्ट किया, और इसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है, ये हो गया, और इसे यहाँ पे एडजस्ट किया, यहाँ पे एडजस्ट किया, ये हो गया, ठीक है, इसे एडजस्ट किया, ये हो गया, उसके बाद इसे एडजस्ट किया, यहाँ पे एडजस्ट किया और इसे एडजस्ट किया, ठीक है, ये हो गया हमारा, और देन यहाँ पे इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और इसको यहाँ पे हम लाएंगे, ठीक है, और इसे यहाँ पे, ठीक है, इतना हमारा कटआउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीम आएगा तो बीम के अंदर स्लैब होता है, तो जैसे हम ये यहाँ पे इसे हम स्नैप किए और इसे हम यहाँ पे स्नैप कर लेंगे, ठीक है, और इसे हम यहाँ पे स्नैप कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप देखो स्नैपिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये ऑन करके ही करोगे तो ही प्रॉपर होगा, नहीं तो प्रॉपर स्नैपिंग नहीं होता है, स्नैप आपको करना ही ज़रूरी है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखेंगे प्रॉपर हमारा जो ये हमें बनाना होता है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप इसे टैंक बना सकते हो, स्टेयरकेस का ब्लॉक आपको ऊपर लेके जाना है तो आप इजीली आराम से लेके जा सकते हो इसे, ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे दूंगा 150 mm देना है जो एक्सट्रूड होता है, ठीक है, आप ये अनहाइड्रॉल कर दूंगा वहाँ पे, सारी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे जो होता है स्लैब बैठता है यहाँ पे बैठेगा ये, क्योंकि भी हमारा उसके नीचे आता है, ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, इसे एरे करना है, आपको टूल्स में जाना है, देन एरे में आना है, यहाँ 2.9 20 काउंट्स, देन यहाँ पे ओके, ठीक है, अब ओके करूँगा, यहाँ तक बैठ गया, उसके बाद एक और ऊपर लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेंस पे, और इसे मैं यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे बैठ गया, तो इससे क्या हमारा है, और इससे बैठने में इसे मैं यहाँ पे एक शूट तोड़ दूंगा और यहाँ पे दूंगा इसे 160 mm, ठीक है, ताकि ये ऊपर की तरफ चला जाए, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, पैरापेट वॉल बनाना है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले, पैरापेट वॉल भी लगता है बिल्डिंग के लिए, और सबसे पहले क्या करना है मुझे, बेसिक यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है, अब देखेंगे बेसिक जो बिल्डिंग होता है उसका ढांचा यहाँ पे रेडी होगा कि बिल्डिंग मतलब कैसे बनाना होता है। अभी मुझे यहाँ पे जैसे अभी टैंक हम बाद में बनाएंगे, पैरापेट वॉल बाद में बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो फ्लोर की हाइट है अभी हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट ऑल करना है, देन यहाँ पे हमें इसे वॉक करके यहाँ पे अमाउंट देना है, मुझे 10 फीट ऊपर लेना, मतलब 2.2900 mm, ठीक है, इतना हमने ऊपर लिया, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉलम बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट ऑल,
देन यहाँ पे मैं इसे हाइड कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे कॉलम जैसे बनाना है, जैसे मुझे स्टेयरकेस का ब्लॉक हमेशा ऊपर आता है, तो मैं इसे यहाँ पे बना लूँगा इसे। ठीक है, यहाँ पे गया, सिलेक्ट किया, ठीक है ये हो गया। देन स्टेयरकेस का ब्लॉक होता है जिसका वॉल हमें नीचे तक मिलता है, जो है ग्राउंड फ्लोर से ही जाता है ऊपर। ठीक है, ये हो गया। ये तो मतलब आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बनाना होता है, आप प्रॉपर डिटेल में बताएंगे और परफेक्शन के साथ बनाएंगे आप, फटाफट आपका मॉडलिंग भी हो जाएगा। जितना हो सके आप इस लाइन टूल से ही बनाइए, ना कि रेक्टेंगल से, तो आपका और फटाफट काम होगा और आपका हाथ बैठ जाएगा माउस पे कि मतलब कैसे क्लिक करना होता है और काम कैसे फटाफट होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना हमारा ये हो गया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, कॉलम्स बनाना है। ठीक है, कॉलम्स में रेक्टेंगल ले लूँगा, सेंटर सेंटर में यहाँ पे, जैसे ये सेंटर, इसी मैंने कॉलम के लिए क्लिक किया है। यहाँ पे कॉलम में अंदाज दे रहा हूँ कि कॉलम के प्लान्स नहीं है, तो यहाँ पे किया, इसे भी यहाँ पे आगे ले लिया, इसे भी ले लिया। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे किया और यहाँ पे भी किया। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लिक किया। इससे क्या होगा, हमारे बिल्डिंग का जो कॉलम्स है उसे कॉलम्स आ जाएगा। एक अंदाज से हम लोग दे रहे हैं कि हमारे पास ये प्लान है और सेक्शन है, तो यहाँ पे भी दे दिए, यहाँ पे भी दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी दे दिए और यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें बन गए। उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट सिमिलर, सबको सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसे ग्रुप दे देता हूँ मैं और इसे एक्सट्रूड दे दूंगा। इसकी हाइट जो रहेगी 2.9 mm रख ली। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे हेड ऑल आप देखेंगे प्रॉपर ये वहाँ पे उस जगह पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या करूँगा, एक कैमरा सेट कर देता हूँ मैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे दो भी फुट मारता हूँ मैं, यहाँ पे भी टॉप में जाता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैमरा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, फिजिकल कैमरा। देन अभी मैं क्या करूँगा, एक एंगल ले कैमरा ले लूँगा यहाँ पे, कैमरा सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे गया और इसे मैंने यहाँ पे दिया 40। देन यहाँ पे कैमरे में गया। ठीक है, आपको जाना है रेंडरिंग में, देन आपको आना है यहाँ पे प्रिंट साइज रेंडर असिस्ट। ठीक है, इसमें आपको जाना है पोर्ट्रेट करना है। ठीक है, स्टेप करना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गया कैमरे की हाइट, मैंने यहाँ पे ये इसको आपको लॉक कर देना है, यहाँ पे वाई एक्सिस में देना है 5 feet। ठीक है, 5 feet ये हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 5 feet मतलब आई लेवल होता है। देन इसके बाद आपको टारगेट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, देन राइट क्लिक करके किया कैमरा सेलेक्ट कैमरा, देन यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको करना है क्लोज ऑल। देन आपको यहाँ पे आना है परस्पेक्टिव कंट्रोल में, इसे लॉक कर देना है। ठीक है, आप देखेंगे आपका यहाँ पे जो कैमरा है प्रॉपर आई लेवल के हिसाब से सेट हो चुका है। ठीक है, इतना है। देन आपको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसी मैं यहाँ पे कर दूँगा क्ले में कर देता हूँ, तो आपको एग्जैक्ट मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या है। एंड अगर आपको मॉडलिंग सीखना है इसी प्रकार आप ट्राई कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।